मैं कौन? अभी दिखाता हूँ मैं कौन। मैं कौन? ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेहर भाई है, ये हमारा नजम है, और ये रेहान है, हो गया। और यहाँ पे ईद की पार्टी हो रही है। ठीक है, ईद की पार्टी हो रही है और आप अभी चीजें बनाएंगे सारी और आपको भी साथ साथ हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आज हम ईद की तैयारियां करें, दिखाओ इनको। ये हम जेली बना रहे हैं, ये तकरीबन बन गई है, इसको हम रख देते हैं यहाँ साइड पे ना। और दूध दूध दुलारी बना रहे हैं हमारे दूल्हे भाई, दूध दुलारी लेके आए ये दूध इसके लिए हम कर रहे हैं बॉयल, उसके बाद हम डालेंगे इसमें इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स बनेंगे और फिर उसके बाद नजम जो है ये क्या, तुम क्या बनाओगे आज? अभी मैंने खीर का डिसाइड किया था, लेकिन खीर के जो मसला हमारा ये आ रहे, चावल जो है उनको हमने ग्राइंड करना है। ग्राइंडर हमारे पास इतना कसकुस पे था, वहाँ पे बन गई थी खीर, यहाँ पे नहीं। नहीं तो वो तेरी वो दूसरी किधर गई, वो लजीज वाली जो तू लेके आया? चुके थे हम, वो बना चुका है। तो कोई बात नहीं, चावलों वाली बना ले, चावलों वाली बना। सरदार साहब क्या कर रहे हैं? हम तो रमजान से पकौड़े ही बनाते हैं तो ये आज पकौड़े ही बनाएगा आज ये पकौड़े बनाओगे साथ साथ इसके स्पेशल पकौड़े हैं जी इलियासी मस्जिद के, तो आपके चैनल पे भी वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे लाजमी, बहुत अच्छे। यार भाई साथ में ये चिकन भी लेके आए हैं, आज हम कोरमा भी बनाएंगे साथ में। कोरमा मैं बनाऊंगा, मैं भाई शुरू करते हैं फिर, कोरमा मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, आप ये करें, मैं जरा दुलारी बना दूँ। दुलारी वैसे काफ़ी यूनिक नेम है, दुलारी फर्स्ट टाइम सुना है मैंने। ये देखें उसामा प्यार से कुश्ती कर रहा है, अभी ये बाहर से लेके आया है अपना फेवरेट फ्रूट उसामा का, इनका फेवरेट फ्रूट आता है क्योंकि रायों का ये फेमस है, हमारी पॉकेट्स भी ज़्यादा इसीलिए होती है हम प्याज डाल सकें तो ये भी कौरमा बनाना है या कढ़ाई क्या बनाना? कौरमा, कौरमा, कौरमा बनाना है। तो कौरमे की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे नजम अपना आटा सेट कर रहे हैं, आटा लगा हुआ है। और ये हमने राज दुलारी बनाई है दूध की, ये भी ठंडी हो रही है, इसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे और इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे फ्रूट्स की, जो इसने फ्रूट्स काटे हैं रायान ने। ये देखें उसामा जो ये कसाई बना हुआ है ब्रायलर के साथ, ये कर रहे हैं कुश्तियाँ, छोटे पीस रखना, पाकिस्तान में कैसे कहते हैं कसाई को, छोटे पीस रखना, बोटी छोटी रखना, बोटी छोटी, हम उनको यही कहते हैं लेकिन वो इतनी इतनी बड़ी चांपे छोड़ देते हैं, हम उनसे कहते हैं कढ़ाई पीस करके दे। लेकिन यहाँ फिनलैंड के अंदर पता है आपको गोश्त इस तरह मिलता है जैसे ये प्लेट के अंदर आपको नजर आ रहा है, पाकिस्तान में तो वो छोटा कर देते हैं। कहाँ पे इसके फिलेट, कहाँ पे है ये पर, ये फिलेट हाँ ऐसे यहाँ पे मिलता है, जैसे इसकी ब्रेस्ट है चिकन की और लेग पीस वो इस तरह मिलते हैं, तो उसके ऊपर वो खाल सी लगी होती है, तो जिनको पसंद होता है वो उसकी इरादा कर लेते हैं खाल सी, और ये जो ब्रेस्ट पीस होते हैं इनके फिर जितने जिसको चाहिए होते हैं उस हिसाब से उसका पीस कर लेते हैं। ये देखें जनाब ये कौरमा रेडी हो गया है ना जी, रेडी है जी, अब कौरमे को हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे अभी, बस दूसरे पार्ट में अभी इसको बंद कर देते हैं। अभी देखें इसमें से इसकी स्मेल आएगी बहुत प्यारी सी, स्मेल से पहले धुआं उठेगा। ये देखें ये आग लगने के बाद वाला जो धुआं होता है, और सामा के फेशियल एक्सप्रेशन चेक करें, ये बस भूख से उसके फेशियल एक्सप्रेशन, और बहुत भूख लगी हुई है मेहर भाई, ये प्रोडक्ट मुझे ही बहुत लगी हुई है, इन जालिमों ने मुझे 12 बजे को बुलाए हुए, मैं खैर 12 बजे तो मैं नहीं आया, मैं खुद 1 बजे आया हूँ, लेकिन आके इन्होंने मुझे खुशखबरी दी है कुछ भी नहीं बना हुआ। लेकिन मैं तो ये देखे ना इतनी हमने सफाई की है, ईद का दिन है, पाकिस्तानी खुद बने थे हम, पाकिस्तानी अम्मियाँ बने हुए थे, पूरा झाड़ू फेरा। हाँ लेकिन ये है कि अभी ये प्रोग्राम अच्छा बन गया, अभी ये कौरमा बना हुआ है और इसके अलावा वो हमारे राज दुलारी वो भी अंदर ठंडी हो रही है फ्रिज में, और वो साथ वो पुलाव बनाने लगे हैं, वो प्याज उसके लिए काट रहे हैं, और ये मेहर भाई को हम टेस्ट करवाते हैं थोड़ा सा, देखते हैं ये पोटी, मेहर भाई टेस्ट कीजिएगा। अभी तो बहुत गर्म होगी जी जी, मैं थोड़ा सा उससे कट हो किधर नाइफ से, हाँ थोड़ी तो वो है, वो दो पार्ट्स में आटा दे अभी, गुलाब जामुन भी बनेंगे ये उसके लिए, ये फ्लोर लेके आया इंशाल्लाह उसामा, देखिए मैं फूक मारे और लाए मुझे कैमरा देनी, कैमरा मैं बनता हूँ, फिर आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो मैं रिकॉर्ड करूँगा, देखते हैं कैसे बना है। बिस्मिल्लाह, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, स्मेल अच्छी आ रही है, फ्रेग्रेंस बिस्मिल्लाह। इसने दो काटे थे, मैं दूसरा भी खाने लगा अच्छा अच्छा लगा अच्छा।
जो स्टेप है वो पास कर दिए, अब हम जब रोटी के साथ खाएंगे फिर ज्यादा पता चलेगा हमें। मुझे लग रहा है कुछ अरसे बाद जिस तरह के ये कुकिंग कर रहे हैं, आई थिंक ये अपना रेस्टोरेंट या कोई ओपन कर सकते हैं। प्लान तो है वो, इधर हम जाते हैं अक्सर, आप लोगों ने अगर मेरा चैनल विजिट किया है तो फिर आप देखेंगे मैंने जिधर सीरियल लाइन खड़ी होती है तो रोका वाला जो एरिया है जिनकी में वहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और जिधर लास्ट टाइम उमेर भाई का हमारा जो वीडियो बनाई थी हमने हाइजीन पास के फैशन पीस सिटी सेंटर के बिल्कुल वही एरिया है, उधर स्टॉल लगे होते हैं समर में लगाते हैं, तो उमेर भाई ने मशवरा दिया है क्या पता कारोबार इन्वेस्टमेंट चाहिए बस, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। ये देखें ना हमारे पास एक ये भी शेफ है, हम दो शेफ हैं, हम इंशाल्लाह कोई ना कुछ करेंगे जरूर। उमेर भाई को भी साथ में शेफ बनाते हैं, इनको लहसुन अच्छा काटना आता है। उमेर भाई ने भी ज्यादा खा लिया है, उमेर भाई मजा आया, मजा तो काफी है, कौरमा जबरदस्त है। ये इसकी खाचे इसका हम ब्लूपेन में डाल देंगे। तो उमेर भाई आपका मजा आया फिर? बहुत मजा आया। चले माशाल्लाह खैर करें, नेक्स्ट पार्टी जो है वो इसकी रयान की तरफ से होगी ना। उमेर भाई फिर आज का दिन यहीं पे खत्म करें फिर, क्या ख्याल है? बस द एंड हो गया, खा खा के मैं सोने लगा थोड़ी देर। चले उमेर भाई आप सोएं, रेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, आई थिंक दोबारा कट करो यार, ये क्या तो इसका स्पेशल ख्याल रखना रयान का कि वहाँ से स्टोनी से कहीं भाग ना जाए, क्योंकि मैंने इसकी टोपी भी अपनी दी हुई है। मेरी टोपी लेके ना भाग जाए, इसका खास ख्याल रखना और टोपी पे नजर रखना। टोपी का भी इंशाल्लाह इसकी महफूज है ना।